भारत को आजादी अहिंसा से मिली। क्या आप भी मानते हैं कि ये सच है? ब्रिटिश 1947 में हमें छोड़कर जरूर गए, लेकिन 1947 में ही क्यों? आजादी के वादे तो 1920 में भी किए गए थे। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो भारत में रुकना अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे? आज एक ऐसी कहानी सुनानी है जिसके हीरोज के नाम हमें पता नहीं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जरूर पता। रॉयल इंडियन नेवी अपराइजिंग। 18 फरवरी 1946 को कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिशों को कन्विंस किया कि अब भारत पर कंट्रोल रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन पहली बार 30,000 ब्रिटिश 30 करोड़ इंडियंस को कंट्रोल कैसे कर पाए? एक झूठ के जरिए कि वो हमारे दोस्त, वो यहाँ हमें एजुकेट करने के लिए आए हैं। इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहते हैं। एक बार एजुकेशन पूरा हो जाए, वो ग्रेजुएशन के जैसे हमें आजादी गिफ्ट करके यहाँ से चले जाएंगे। समाज का एक वर्ग था जो इस लॉलीपॉप पर विश्वास रखता था, और दूसरी ओर था हमारा शेर, जिसने कहा आजादी कोई गिफ्ट नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिशों का ये दोगलापन पता था, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की जो ब्रिटिशों को धक्के मार बाहर निकालने वाली थी। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जब जापान ने सरेंडर किया, INA अपने मिशन में फेल हो गई। INA की उन 11,000 सोल्जर्स का क्या हुआ जिन्हें ब्रिटिशों ने कैप्चर किया? उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर जैसे ट्रीट किया गया, टॉर्चर किया गया। अगर ब्रिटिश सच में हमारे दोस्त होते तो क्या वो ऐसा करते? INA भारत को आजाद नहीं कर पाई, लेकिन उसने भारत की सोच को आजाद जरूर की। रॉयल इंडियन नेवी मुंबई, कराची, विशाखापट्टनम, मद्रास, अंडमान, हर जगह ब्रिटिशर्स के लिए लड़ती थी। उन्हें इस बात पर गुस्सा है। रॉयल नेवी के इंडियन सेलर्स को सेम रैंक के ब्रिटिश सेलर्स से अलग ट्रीटमेंट मिलती थी, सड़ा हुआ खाना मिलता था। उन्हें सन्स ऑफ कूलीज जंगली कहा जाता था। रेसिज्म सरेआम होता था। ब्रिटिश कहते थे कि वो हमारे दोस्त हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, लेकिन उनका बर्ताव कुछ और ही था। ये सच जब सेलर्स के सामने आया, तब उन्होंने मुंबई में रिवोल्ट कर दिया। ब्रिटिश ऑफिसर्स को शिप से ही फेंक दिया। ये खबर कोलकाता, चेन्नई, कराची तक पहुंच गई, और वहां के सेलर्स ने भी यही किया। INA के सारे सोल्जर्स को रिहा करने की और भारत को तुरंत छोड़ने की मांग। ब्रिटिश डर गए। नेवी के बाद अगर आर्मी ने भी रिवोल्ट किया तो जिन्होंने आज तक हमारे लिए गोली खाई है, उन्होंने हम पर ही गोली चलाई तो? और यही होने वाला था। नेवी को रोकने के लिए उन्होंने पुलिस को लाठी चार्ज करने कहा। पुलिस नहीं मानी, इंस्टेड उन्होंने नेवी को ज्वाइन किया। ब्रिटिश जिस समंदर से जिन शिप्स के बलबूते पर भारत राज करने आए थे, वही नैया आज डूबने वाली थी। अगर प्रॉमिसेस की बात करें तो पहली वर्ल्ड वॉर के बाद भी ब्रिटिशर्स ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें आजादी देंगे, लेकिन क्या वो इस प्रॉमिस पर खरे उतरे? नहीं। वैसे ही दूसरे महायुद्ध के बाद भी वो अपने वादों से मुकर सकते थे। ब्रिटिशों के लिए हमारी आजादी बस एक लॉलीपॉप था, जिसके बदले 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर लड़ी और कईयों ने अपनी जान भी गंवाई। अगर रॉयल इंडियन नेवी उन्हें अपनी शक्ति नहीं दिखा दी तो शायद ये प्रॉमिस भी पिछले प्रॉमिसेस जैसे ही होता। लेकिन अब भारत जाग रहा था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली भी कहते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी और नेवल म्यूटिनी की वजह से ब्रिटिशों को भारत छोड़ना पड़ा, तो हमें हमारे इतिहास में इतने बड़े इंसिडेंट्स के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता? ये बातें हमसे क्यों छुपाई जाती है? क्योंकि रॉयल नेवी के हीरोज के साथ हमारे ही लीडर्स ने बाद में क्या किया, ये सुनकर सर शर्म से झुक जाता। नेवल अपराइजिंग में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन उस जमाने की सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टियों ने इन वीरों को कंडेम किया। जिन्हें सपोर्ट करना चाहिए उन्हें छोड़कर ब्रिटिशों को सपोर्ट किया, और नेवी के वीरों को सरेंडर करने के लिए कन्विंस किया और प्रॉमिस किया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो वादा ब्रिटिश निभाने वाले थे ही नहीं, क्योंकि उनके लिए हर वादा था एक लॉलीपॉप। इन लोगों पर मुकदमा चला, उन्हें कोर्ट मार्शल किया गया, उन्हें महीनों के लिए जेल में रखा गया। एक साल बाद जब भारत आजाद हुआ, तब क्या उन्हें उनकी नौकरी वापस मिली? नहीं। क्या उन्हें जेल से छोड़ा गया? डेटा अवेलेबल नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अगर आपका सच, आपकी अहिंसा, खुद पर की गई हिंसा का सच लोगों से छुपाने की कोशिश करता है, तो वो अहिंसा नहीं, खुद पर की गई हिंसा। सोचिए अगर इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिला होता तो? नेवी के म्यूटिनी में जैसे मुंबई से लोग शामिल थे, वैसे ही कराची से भी तो लोग शामिल थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम सब लोग एक ही कॉज के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए अगर इस भावना को बढ़ावा मिला होता तो शायद हमारे दो देशों के बीच जो आज तनाव है वो ना होते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आजादी ना कभी मांग कर मिली है ना कभी मिलने वाली है। आजादी मांगी नहीं जाती, आजादी छीनी जाती है। ये बात रॉयल नेवी के लोगों को समझ गई थी, लेकिन जिन पॉलिटिशियंस को हमने अपना कहा उन्हें ये बात नहीं समझ। इसी वजह से ये इतिहास हमारे इतिहास की किताबों के पन्नों से गायब। उनके नाम उन्हीं जेल की दीवारों में कैद है जहां उन्होंने आजादी के सपने देखे। लेकिन इन बेनाम हीरोज को हमें थैंक यू कहने की जरूरत है, क्योंकि पहली बार ब्रिटिशों को समझ आ गया था कि उनके पास भारत में ज्यादा टाइम नहीं तो पता नहीं, जैसे हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने एक देश के दो देश बनाए, वैसे और कितने टुकड़े हो जाते। अब जाते हैं उस सवाल पर जो हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था,
क्या आपको लगता है कि हमें आजादी शांति से अहिंसा से मिली थी, या भारत के इंडिपेंडेंस का रास्ता भी इनजस्टिस और हमारे खुद के खून से रंगा हुआ? इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये कहना कि हमें आजादी शांति से अहिंसा से मिली ऐसे कहने जैसा है कि आईएनए के सोल्जर्स का, इन सेलर्स का, उन 25 लाख जवानों का कॉन्ट्रीब्यूशन व्यर्थ है जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान गंवाई। और यही सच आप तक पहुँचाने से मुझे फर्क।